हेलो दोस्तों, टेक इंट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे की क्लास देखिए, आज की पूरी क्लास टेक्निकल है, लाइफ पेंट गैप। तो ये जो है ना, हमने ये चीज़ें बना लिया। अब ये हम जब ही लाइफ पेंट करने जाएंगे, जैसे हमने ये टूल दिया लाइफ पेंट वाले और इस पर क्लिक करने जा रहे हैं, तो अब हमने अगर ये किया तो अब ये गैप दिखाएगा। देखिए ये गैप है तो उसको ये रेड में दिखाएगा, ये चीज़ यहाँ से ऑन होती है। ठीक है, ये है उसकी चीज। अब इसी में अब हाइड कॉर्नर विजेट, अब ये अभी नया जब इलस्ट्रेटर आया है तो इसमें ऑप्शन है कि आप जो है ये सिंपली क्लिक करके इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी गायब हो जाता है। ये गायब होने के लिए क्या है, यही है हाइड कॉर्नर विजेट, मतलब गया, अभी आपको मिलेगा ही नहीं। कभी कभी डिजाइन बनाते टाइम प्रॉब्लम करता है वो सिलेक्शन करने में, तो आदमी हाइड कर सकते हैं शो कॉर्नर विजेट। ठीक है, और इसके बाद है हाइड टेक्स्ट थ्रेड। जब भी हमने टेक्स्ट, अगर कुछ चीज़ें टेक्स्ट बनाया है और इसमें अगर हमने ऐसा थ्रेड किया, यानी डबल क्लिक करके इसको दूसरे में कर दिया, दिख रहा है, तो अब ये जो थ्रेड दिख रहा है इस थ्रेड को हाइड करने के लिए ऑप्शन है हाइड टेक्स्ट थ्रेड। ठीक है कनेक्टेड लेकिन दिख नहीं रहा, ऐसा भी होता है, आदमी को लगेगा कि ये अलग अलग है, तो शो टेक्स्ट थ्रेड। ठीक है, स्मार्ट गाइड कंट्रोल, ये शॉर्टकट है, सबसे बेस्ट है ये गाइड। जब भी आप किसी चीज़ को भी अलाइन करते हैं, ये जो पिंक कलर की आपकी लाइन दिख रही है वही स्मार्ट गाइड। अगर कंट्रोल यू दबा के हमने इसको बंद कर दिया तो अब हमारा स्नैपिंग इतना अच्छा नहीं होता और ये प्रॉब्लम होता है। देखिए, और कंट्रोल यू से फिर ऑन कर लिया तो हमारा स्नैपिंग एकदम ज़बरदस्त होता है, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड। जब भी हम पर्सपेक्टिव वाली ग्रिड वाली टूल यूज़ करते हैं तो ये सारा चीज़ आता है उसमें भी, तो इसी को शो हाइड स्नैप लॉक ग्रिड लॉक स्टेशन पॉइंट, ये सारी चीज़ें उसी के ऑप्शंस है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट, ये सारा चीज़ उसी के ऑप्शन है। जो टूल वाला क्लास है उसमें आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, उसी के लिए रूलर भी है, उसमें भी स्नैपिंग का ऑप्शन है। लॉक ग्रिड भी लॉक कर सकते हैं, लॉक स्टेशन पॉइंट जो उसका एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है वो भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, गाइड जो है जितना भी हमने कुछ बनाया, ये कंट्रोल फाइव से हम गाइड बना सकते हैं, कंट्रोल फाइव गाइड, यानी अब ये हमारा गाइड है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अब इसके हिसाब से हमने कुछ चीज़ें बनानी है तो हम अलाइन करना है, बनाना है, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसी का ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स में हाइड गाइड्स, गाइड्स हट जाएंगी। ये सिर्फ काम करने के लिए है, गाइड शो गाइड हाइड गाइड्स, और कोई भी गाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्लियर गाइड्स मतलब सारा गाइड्स डिलीट हो जाएगा। रिलीज गाइड बोले तो अगर हमने सेलेक्ट किया इसको लॉक नहीं होना चाहिए, गाइड अगर अनलॉक कर दीजिए पहले फिर सेलेक्ट करिए, इसको राइट क्लिक करके रिलीज भी कर सकते हैं या वहाँ से भी, तो ये वापस से ऑब्जेक्ट बन गया, ये कोई भी गाइड को वैसा रिलीज कर सकते हैं। शो ग्रिड, ग्रिड का ऑप्शन, जो हम लोग लोगो वगैरह या ऐसा कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन, इसमें भी स्नैपिंग का ऑप्शन आता है, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू पॉइंट, ये सारा पिक्सल टू पिक्सल स्नैपिंग और पॉइंट टू पॉइंट स्नैपिंग, ये सब ऑन कर सकते हैं आप उसके हिसाब से जैसा आपको यूज़ है। और न्यू व्यूज़, एडिट व्यूज़, कोई भी अपने व्यूज़ सेव कर सकते हैं कि आपका ये व्यूज़ सेव हो गया, यानी जब भी आप क्लिक करेंगे उसी व्यूज़ पे आप चले जाएंगे, जैसे आपने ऐसा किया है न्यू व्यूज़ तो आपको उस व्यूज़ पे सेव, यानी आपने कोई एक फिक्स पॉइंट बना दिया जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।